नमस्कार दोस्तों, मैं वी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पावर फैक्टर है। जो दोस्तों, कितना भी पावर फैक्टर है हमारा, जैसे उसमें हमें कितना का कैपेसिटर लगाना है। जैसे कि दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर हो गया 0.8 हो गया, 0.85 हो गया, या फिर 0.9 हो गया। तो हमें दोस्तों 0.99 करने के लिए कितने का हमें कैपेसिटर लगाना है, इसी कैलकुलेशन के ऊपर दोस्तों मुझे बात करनी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे पास में दोस्तों थ्री फेज जो मोटर होती है, ठीक है दोस्तों, उस थ्री फेज मोटर में, इसके अलावा दोस्तों आप सिंगल फेज भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जो कंपनियों में हम जो काम करते हैं वो थ्री फेज के ऊपर काम करते हैं, तो हमें वहीं पे पावर फैक्टर की अधिक जरूरत पड़ती है, घरों में जितना जरूरत नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। मैं इसलिए मैं थ्री फेज का काम कर रहा हूँ, आप चाहो तो सिंगल फेज भी ले सकते हो। तो दोस्तों, थ्री फेज मोटर है हमारी, ठीक है दोस्तों, तो इतना का हमारा थ्री फेज का मोटर हो गया, और 132 kV का मैं उस पर लोड ले लेता हूँ। 132 kW की है हमारी मोटर, ठीक है दोस्तों, 132 kW की हमारी मोटर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों, इस मोटर पे हमें पावर फैक्टर मिल रहा है, वो दोस्तों मैं पावर फैक्टर मान लेता हूँ 0.85, ठीक है, इतना मुझे पावर फैक्टर इस मोटर पे मिलना है, ठीक है। अब मुझे दोस्तों ये पावर फैक्टर हमें करना है 0.99, ठीक है, 0. अब दोस्तों, इतना करने के लिए हमें कितना kVAr का हमें क्या करना है, कैपेसिटर लगाना है दोस्तों, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि थ्री फेज की हमारे पास मोटर है, इतने किलोवाट की मोटर है, इतना उसके आप पास में पावर फैक्टर है, इतना पावर फैक्टर करने के लिए हमें कितना kVAr कैपेसिटर लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये kVAr क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है दोस्तों, ये हो गया kVAr कैपेसिटर कितने लगे। तो दोस्तों, ये एक फॉर्मूला से निकलता है, मैं उसको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। kVAr ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी पावर है वो पावर ले लेनी है, पावर tan θ1 - tan θ2, ठीक है दोस्तों, ये हमें पावर ले लेनी है। अब दोस्तों, जो हमारी पावर फैक्टर होती है, पावर फैक्टर फर्स्ट कितनी होगी दोस्ती हमारी 0.85, ठीक है, और पावर फैक्टर टू हमारी हो रही है 0.99, ठीक है। मतलब ये हमारी एक्चुअल पावर फैक्टर है और इतना हमें करना है, ठीक है, इसमें कैपेसिटर कितने का लगाना है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारी पावर फैक्टर होती है उसको हम कॉस थीटा से भी देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं दोस्तों, जितना देखिए आप, इतना हो गया इधर, इतना हो गया, ठीक है, कॉस थीटा। अब ठीक है दोस्तों, अब हमें टेन थीटा में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से करते हैं एक कैलकुलेशन सीख लीजिए, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, और वीडियो भी बनानी पड़ेगी अलग से, तो वो भी बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ टेन थीटा वन और टू के लिए हमें यहाँ से थीटा का मान निकालना होगा। तो चलिए, मैं थीटा का मान यहाँ से निकाल देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, हमारे पास में कॉस थीटा है 0.85, तो हमें थीटा का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको वन और टू के नाम दे देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। मैं थीटा वन का मान निकालूंगा तो किस प्रकार से निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, थीटा वन बराबर 0.85 अपॉन कॉस, ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा होगा कि यहाँ से निकालेंगे तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये हो गए। अब दोस्तों, मुझे ये ऊपर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ, थीटा वन इजिकल टू कॉस इनवर्स वन 0.85 आपका ये हो गया थीटा वन का मान, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप थीटा टू का मान निकाल सकते हो, अब मैं आपको सीधा थीटा टू का मान निकाल देता हूँ, कॉस थीटा टू इजिकल टू 0.99, ठीक है। अब मैं थीटा टू का मान निकाल लूँगा, तो दोस्तों कॉस इनवर्स 0.99 ये हो गया कॉस थीटा टू का मान, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों ये आपका थीटा का मान लिख रहा है, थीटा वन का लिख रहा है, थीटा टू का लिख रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, के वी आर निकालना है। के वी आर निकालेंगे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा इसको तो इसमें डाल देना है फॉर्मूला में, ठीक है। हमारे पास में पावर है दोस्तों 132 KV। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो पावर है वो आपको किलोवाट में ही डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम के वी निकाल देता हूँ, के वी ए आर इजिकल टू पावर टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, ठीक है दोस्तों। मतलब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैं दोस्तों अपना जो निकाला हुआ कैलकुलेशन है थीटा वन टू और पावर है वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं इस तरफ, पावर भी 132 KV, ठीक है दोस्तों। देखा जैसे कि 132 थीटा, थीटा का मान टेन, थीटा वन का मान, थीटा वन का मान है। तो दोस्तों मैं एक बार ये क्या कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ, थीटा का मान कॉस इनवर्स 0.85, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस इनवर्स 0.85 माइनस टेन थीटा टेन टू, ठीक है। टेन टू का मान आप देख लीजिए, थीटा का मान, ठीक है टेन। अब इसको कॉस इनवर्स 0.99, ठीक है, कॉस इनवर्स 0.99, ठीक है। अब इसका आप करते हैं कैलकुलेशन, करते हैं कितना कितना लिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे खुल के लिख देता हूँ थोड़ा सा 132। आप देखिए यहाँ पर टेन का मान, टेन कॉस इनवर्स 0.85 का मान कितना होगा, तो मैं आप यहाँ पे इसके द्वारा बता देता हूँ, कैलसी के द्वारा। तो देखिए कॉस इनवर्स 0.85, तो दोस्तों कितना आ गया 3178, ठीक है। मैं आप लिख देता हूँ 3178 माइनस टेन टू, ठीक है। टेन टू का मान देख लेता हूँ कितना आ रहा है। टेन टू का मान के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉस इनवर्स 0.99 करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ 0.99, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों 8.1, ठीक है 8.1 आ गया। तो यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों 8.1। इतना करने के बाद में दोस्तों आप क्या करना है, फिर आप तो क्या करना है, 132 हो गया। आप दोस्तों क्या करना है, टेन 31.78 का मान कितना होता है, अभी निकाल लेते हैं हम एक बार इसी के द्वारा। टेन 31.78, 31.78 देख लेता हूँ एक बार, देखिए अब इसका मान निकाल लेता हूँ मैं, 0.61 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 0.6, अब दोस्तों 6 के बाद में 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, इसको 62 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 10, अब 10 9.1 का निकालना है हमें, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ 10 9.1 इजिकल टू आ गया दोस्तों 0.16, ठीक है। तो 0.16 इतना आने के बाद में अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको इससे कर देना, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्लास तक निकालना है, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं दोस्तों, और बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भेजिए, कमेंट कर सकते हैं आप, तो मैं निकाल देता हूँ इसका। तो दोस्तों इतना आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आएगा दोस्तों, देखिए 60.72, ठीक है दोस्तों 60.72 KVR हो गया दोस्तों, ये KVAR, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो हमारी जो PF थी, फर्स्ट PF थी दोस्तों ये, इसको इतना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इतने कैपेसिटर लगाना होगा। इतने का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा, 60.72 का आपको कैपेसिटर लगाना होगा,
इतना पीएफ करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, पावर फैक्टर निकालना आप सीख गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।